दबंग 3 फिल्म हिट हुई या फ्लॉप, ये फिल्म से मेकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और एग्जीबिटर को फायदा हुआ या नुकसान। अजय देवगन की अगली फिल्म से बड़ा धमाका, बूज द प्राइड ऑफ इंडिया में से फर्स्ट लुक हुआ रिलीज। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिस्टा न्यूज। सलमान खान की दबंग 3 फिल्म 20 दिसंबर को रिलीज हुई थी। ये फिल्म सिनेमा घरों में अभी भी दहाड़ मचा रही है। ये फिल्म को रिलीज हुए आज 10 दिन हो चुके हैं और हर कोई जानना चाहता है कि ये फिल्म हिट हुई या फ्लॉप। वैसे सबसे पहले बता दें कि फिल्म हिट तब होती है जब फिल्म से मेकर्स, एग्जीबिटर, डिस्ट्रीब्यूटर को नुकसान ना हो और उनको ये फिल्म के पीछे की लागत मिल जाए और फिल्म से फायदा हो। तो आइए हम जानते हैं दबंग 3 फिल्म हिट हुई या फ्लॉप। तो सबसे पहले बता दें कि दबंग 3 फिल्म ओवरसीज मार्केट में सुपर डुपर हिट साबित हुई है। जी आपने बिल्कुल सही सुना, ये फिल्म इंडिया के बाहर सुपर हिट साबित हो चुकी है क्योंकि ये फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 50 करोड़ से भी ज्यादा कलेक्शन किया है, जो कि बॉलीवुड फिल्मों के लिए बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं इंडिया की, तो बता दें कि इंडिया में प्रोड्यूसर के लिए ये फिल्म ब्लॉकबस्टर है क्योंकि प्रोड्यूसर ने ये फिल्म के जरिए काफी कमाई की है। सबसे पहले तो 160 करोड़ के म्यूजिकल सैटेलाइट राइट्स बिके थे, जो इतना तो दबंग 3 का बजट भी नहीं है, यानी कि प्रोड्यूसर ने ये फिल्म के जरिए काफी जमकर कमाई की है, तो उनके लिए तो ये फिल्म ब्लॉकबस्टर है। तो बात करते हैं एग्जीबिटर और डिस्ट्रीब्यूटर की, तो आपको बता दूं कि एग्जीबिटर और डिस्ट्रीब्यूटर को ये फिल्म से कोई नुकसान नहीं हुआ और उन्होंने भी ये फिल्म से थोड़ी बहुत कमाई की है, यानी कि फिल्म एग्जीबिटर और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी हिट साबित हो चुकी है। ओवरऑल दबंग 3 फिल्म एक हिट फिल्म है और आपको बता दें कि ये फिल्म 150 करोड़ के आंकड़े को पार करते ही बॉक्स ऑफिस इंडिया के द्वारा भी हिट डिक्लेयर किया जाएगा। हालांकि दबंग 3 फिल्म ने इतना ज्यादा कलेक्शन नहीं किया जितना वो फिल्मों को करना चाहिए था, क्योंकि देश भर में प्रोटेस्ट होने के कारण ये फिल्म की कमाई में काफी इफेक्ट देखने को मिली है। फ्रेंड्स, आप क्या कहेंगे इस न्यूज को लेकर, वो हमें कमेंट करें। साल 2019 फिल्म रिलीज हुई थी, पहली फिल्म थी टोटल धमाल और दूसरी फिल्म थी दे दे प्यार दे। दोनों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी और एक बार फिर से अजय देवगन दमदार फिल्म को लेकर आ रहे हैं और वो फिल्म है तानाजी द अनसंग वॉरियर। फिल्म का ट्रेलर और गाने रिलीज हो चुके हैं। ट्रेलर और गाने को दर्शक ने काफी ज्यादा पसंद किया है, लेकिन आज अजय देवगन की एक और नई फिल्म से बड़ा धमाका हुआ है। जब अजय देवगन की अगली फिल्म भूज द प्राइड ऑफ इंडिया में से दमदार फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है, जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बता दी कि ये एक वॉर एक्शन फिल्म रहने वाली है। फिल्म में 1971 में हुआ वॉर दिखाया जाएगा और अजय देवगन ये फिल्म में लीडर विजय कर्णिक का किरदार निभाएंगे। और भूज द प्राइड ऑफ इंडिया में अजय देवगन के अलावा संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, राणा दग्गुबाती जैसे दमदार कलाकार नजर आएंगे। अच्छा, वैसे तो अजय देवगन का ये फर्स्ट लुक काफी दमदार है। फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट करें। ये न्यूज पसंद आए तो उसे लाइक करें। आगे की हर नई अपडेट के लिए एफ एस टा न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें।